पार्ट 5 में हम देख चुके हैं लूजेंग ने लिनयांग को सडन किस कर दिया था, जिससे लिनयांग शॉक में थी, पर लूजेंग खुश था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं लूजेंग लिनयांग को एड शूट करने के लिए साथ में चलने को कह रहा था, पर वो उसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। उसकी लिपस्टिक का कलर लाइट देख वो कहता है, क्यों ना मैं इसे डार्क कर दूं? वो उसे डांट कर जाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर लुआ जाते हैं, तो लिनयांग ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे वो और लूजेंग नेबर्स हों, साथ में नहीं रहते। मिस्टर लू लिनयांग को कहता है, तुम्हारे बॉस तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे कि तुम बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड हो। लूजेंग पूछता है, क्या तुम्हारा बॉस मैरिड है? वो हाँ करती है। मिस्टर लू कहता है, बॉस तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कह रहे थे, वैसे क्या तुम आज डिनर के लिए फ्री हो? वो दोनों हैरान थे। लूजेंग लिनयांग को मना कर रहा था, तो वो कहती है, ठीक है, पर मुझसे यहाँ बात मत करो। तो वो खुश होता है, पर फिर वो उसे कहती है, तुम ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? क्या इस एज में मैं तुम्हारा मुझसे शादी करने के लिए वेट करूँ? पर कुछ गर्ल्स को देख फोन पे बात करने का नाटक करती है, पर वो अभी उसे आंख मार रहा था। फिर लूजेंग एड शूट करता हुआ भी लिनयांग की तरफ देख रहा था, और वो भी उसे देख रही थी, पर जीनेन लिनयांग को। उसे आंख मारता देख लिनयांग को खांसी आ जाती है, पर शूट खराब होने पर डायरेक्टर लिनयांग को डांटता है, तो लूजेंग गुस्से से शूट करने से मना करता है, पर लिनयांग उसे शूट करने को कहकर जाने लगती है। गलती से उसके पैर में चोट भी लग गई थी। फोन पे लूजेंग की मॉम उसे कहती हैं, तुम लूजेंग को समझाओ, वो म्यूजिक छोड़कर रेस्टोरेंट संभाले, वो हमेशा तुम्हारी बात मानता है। वो कहती है, वो म्यूजिक में काफ़ी अच्छा है, ये तो अच्छी बात है कि उसने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। तो मॉम कहती हैं, तो तुम लूजेंग के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ दो, ताकि वो रिलेशन में आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। गर्लफ्रेंड 1, 2 या 3 साल बड़ी हो तो अच्छा है, ताकि लूजेंग को कंट्रोल में रख सके। वो हाँ कर देती है, पर वो सैड भी थी। जीनेन उसे देख रहा था। लूजेंग शूट खत्म होते ही जाने लगा था, पर मिस्टर माओ उसे मूवी डायरेक्टर मिस जिया के साथ डिनर के लिए कहता है, पर वो मना कर भाग जाता है, और लिनयांग से उसकी चोट के बारे में पूछता है। वो कहती है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर मा फिर से डिनर के लिए पूछने लगे थे, तो लूजेंग मना करता है, पर जब मिस्टर मा लिनयांग को भी इनवाइट करता है, तो लूजेंग भी हाँ कर देता है। फिर मिस्टर मा लूजेंग को मिस जिया से मिलवाता है, जो लूजेंग में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी। और फिर सब साथ में डिनर करने वाले थे। लिनयांग को जीनेन के पास बैठा देख लूजेंग को अच्छा नहीं लग रहा था, और ऊपर से मिस जिया लूजेंग से बातें करने की कोशिश कर रही थी। वो लिनयांग से मैसेज कर पूछता है, वीफे तुम सैड क्यों हो? पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। मिस जिया कहती है, ये वीफे कौन है? क्या तुम मैरिड हो? वो हाँ करने वाला था, पर मिस्टर मा कहते हैं, ये तो मजाक में ही किसी को निकनेम दे देता है। लूजेंग कहता है, लिनयांग थैंक यू एट शूट में हेल्प के लिए, मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ ही काम करना चाहूँगा। सब हैरान थे। वो कहती है, ऐसा मत कहो, ये तो मेरा काम है, सबने ही बहुत मेहनत की थी। तो सभी चीयर अप करने लगते हैं। तो वो उसे अकेले में पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? वो कहती है, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे ब्रदर हो। वो कहता है, कौन किसका ब्रदर है? क्या मैंने तुम्हें कभी सिस्टर बोला? और उसे ज़बरदस्ती गले लगाने लगता है, पर वो उसे दूर हटा कहती है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वो कहता है, तुमने कहा था ना जब तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मैं। वो कहती है, किसकी शादी नहीं होगी? मैंने अभी इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मैं करियर में बिजी थी, शादी तो मैं जब मर्जी कर सकती हूँ। पर वहाँ मिस्टर लू को आता देख लिनयांग मिस्टर लू के साथ चली जाती है। लिनयांग पार्टी में भी लूजेंग को इग्नोर करती है, तो वो ड्रिंक कर रहा था। काओलिंग को उसकी बेटी तोंग तोंग का वीडियो मैसेज आता है, पर वो याओ को देख कहती है, ये तो यूट्यूब की फनी वीडियो थी। याओ लिनयांग को मैसेज कर पूछती है कि वो अचानक से ब्लाइंड डेट पर जाने का क्यों सोच रही है। टल्ली मिस्टर लू लिनयांग के क्लोज हो रहा था, पर लूजेंग को आता देख मिस्टर मा उसे वहां से ले जाने लगता है। लिनयांग जानबूझकर जीनेन के साथ चली जाती है, और फिर उसे बताती है कि आंटी ने मुझे लूजेंग के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने को कहा है, मैं तो किसी को नहीं जानती, तो तुम उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ देना। मिस्टिया के बार बार कहने पर भी लूजेंग उसके साथ नहीं जा रहा था, और फिर फोन में देख वो जल्दी से भागता है। इनफैक्ट याओ ने लिनयांग की जगह लूजेंग को मैसेज कर दिया था। लिनयांग लूजेंग का फ़ोन भी नहीं उठाती, तो वो जीनेन को फ़ोन कर कार रोकने को कहता है।
और फिर लिनियंग से आकर ब्लाइंडेड पे जाने का रीजन पूछता है। जीनन उसे रोकता है तो वो कहता है, तुझे क्या हो रहा बे, ये हम दोनों की आपस की बात है। वो उसे कहती है, क्योंकि मुझे शादी करनी है। वो कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है, तुम टल्ली हो क्या, हमारा एज गैप नहीं पता। वो कहता है, एज का बहाना मत बनाओ। हाँ मैं छोटा हूँ, पर अब तो ये चेंज नहीं हो सकता, मैं पैदा हो चुका हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। वो कहती है, पर मैं ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहती जिसका मुझे पता है, जिसकी मुझे पता है हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। वो कहता है, तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो कहती है, नहीं। वो कहता है, जब मैंने तुम्हें किस किया था तब भी। वो कहती है, वो तो एक्सीडेंट था। वो कहता है, ठीक है, आज की बात को भी एक्सीडेंट ही मान लो, जो भी तुमने सुना वो बकवास था। जीनन को कहता है, उसे घर छोड़ाना, और चला जाता है। लिनियंग की आंखों में आंसू थे और वो अकेले ही चली जाती है। फिर वो रोती हुई काउलिंग को बताती है, शायद मुझे लूजेंग से प्यार हो गया। काउलिंग कहती है, चाहे वोमेन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, उसके अंदर हमेशा एक छोटी बच्ची होती है, तो हो सकता है ये सब उसी छोटी बच्ची की वजह से हो, ये लव ना हो, और ऊपर से तुम कई सालों से सिंगल हो। वो कहती है, इसका मतलब ये लव नहीं है, हो सकता है हम कई दिनों से साथ रह रहे हैं और अपनी स्किन की केयर करने की वजह से मैं प्रिटी भी हो गई हूँ, और वो यहाँ किंगनिंग में सिर्फ मुझे जानता है, इसलिए उसे अपनापन फील हुआ होगा, जिसे उसने लव समझ लिया होगा। काउलिंग कहती है, पर अगर वो तुझे सच में लव करता होगा तो क्या तू उसे एक्सेप्ट करेगी। वो कहती है, नहीं, हमारे बीच काफ़ी एज गैप है, उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे। फिर उसके कहने पर काउलिंग उसे हक करके चली जाती है, पर वो कंपनी में ही रुक गई थी, इधर लूजेंग भी सॉन्ग नहीं लिख पा रहा था। लिनतियान जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी, पर वहाँ उसे जीनन मिलता है, जिसे वो अपना अंकल बना लेती है। लिनियंग काम करते करते सो गई थी, तो जीनन उसे बताता है कि लूजेंग स्टूडियो में है, घर पे नहीं है। लिनियंग को घर जाने से डर लग रहा था, इसलिए नहीं कि वहाँ लूजेंग होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वहाँ लूजेंग को नहीं देख पाएगी, क्योंकि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। उसकी लाइफ पहले की तरह ही सैड हो गई थी। फिर वो उठकर देखती है कि वहाँ लूजेंग बैठा है, तो सोचती है, ये कब आ गया ब्लैंकेट, कहीं मैं उसके सामने खराटे तो नहीं मार रही थी। और उसके करीब वो कहती है, ये हिल क्यों नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा क्या। पर उसके उठने पर एकदम दूर हो जाती है और पूछती है, तुम क्यों वापस आए, अगर मेरी फ्रेंड्स ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तो गलत समझेंगी, तो अपना सामान पैक करके जाओ यहाँ से। वो हंस रहा था और कहता है, मैं तो बस 2 दिन के लिए कंपनी में रुका था, मैं घर छोड़कर थोड़ी ना जा रहा हूँ। वो कहती है, पर मैं चाहती हूँ तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। वो कहता है, पर मैं तो यहाँ कोई सामान लेने नहीं आया, मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तभी उसे याओ के गेट खुलने की आवाज़ आती है। लिनियंग को बोलता देख वो उसके मुँह पर हाथ रख चुप कराता है। उसे इतने करीब देख वो नर्वस थी, पर जाओ की आवाज़ सुन वो जल्दी से लूजेंग को अपने रूम में छुपा देती है। याओ कहती है, तू गेट क्यों नहीं खोल रही थी, किसी को छुपा रही थी क्या। लूजेंग अंदर रूम में वीफे की फोटो लेकर पड़ा था। लिनियंग याओ को घर से भगाने के लिए हर कोशिश कर रही थी, तो ये देख याओ का शक और बढ़ जाता है। फिर वो उसे कहती है, तू ब्लाइंड डेट पर जाने को क्यों कह रही है, लूजेंग है तो सही, हैंडसम है, स्वीट है, हॉट बॉडी भी है, शर्ट पहने हुए भी उसके मसल सिकते हैं, फुल ऑफ हॉर्मोन्स है, वो तुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं अपनी फीलिंग्स की बात नहीं कर रही, मैं तो मैरिड हूँ, मैं गॉड के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। लिनियंग कहती है, पर मैं उसे डिजर्व नहीं करती, वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है। याओ लूजेंग को मैसेज करती है, पर नोटिफिकेशन की आवाज़ रूम में से आ रही थी, तो वो समझ जाती है कि लूजेंग वहीं पे है, और लिनियंग पकड़ी जाती है। इधर मिस्टिया मिस्टर मा से पूछती है, क्या लूजेंग और लिनियंग कपल है, तो मिस्टर मा एकदम मना कर देते हैं। वो कहती है, अच्छा हुआ, वैसे भी हमारी कंपनी को ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत है, और तुम्हें अपनी कंपनी को फेमस करवाना है। लूजेंग बॉयफ्रेंड टाइप का है, और अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो उसकी बिजनेस वैल्यू कम हो सकती है, इसलिए उसका सिंगल होना ज़रूरी है। मिस्टर मा कहते हैं, वो तो बिल्कुल सिंगल है। इधर लिनियंग लूजेंग को बार बार अपने घर से जाने को कह रही थी, पर वो हर बार मना कर रहा था और कहता है, तुम मुझे छोड़ने की जिद पर क्यों अड़ी हो, आखिर तुम डर किस बात से रही हो। पर वो बिना कुछ बोले उठकर चली जाती है। तो फिर याओ लूजेंग को कहती है, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, जब तुम उससे दूर रहोगे तभी उसे तुम्हारी कमी महसूस होगी। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।